दूरदर्शन जब मुझे मनोरंजित करने में असफल रहा तो हम निकल पड़े हमारे विवियाना साम्राज्य की ओर, जहां सिपाहियों ने हमारी तलाशी लेकर हमें बाइज्जत बरी कर दिया। फिर नरम गद्दों का आनंद लेने के लिए झूठी अमेरिका प्रदर्शन कर सेल्समैन से 20-25 मिनट की स्कीम सुनी और अभी आता हूं यह कहकर वहां से निकल पड़े। इसी के साथ साथ प्रेम में आकंठ डूबे हुए निब्बा मित्र को उसी की हालत पर छोड़कर हम निकल गए फूड सेक्शन की ओर, जहां पर सेकंड सेमीफाइनल देखने में प्रजा को बिल्कुल भी रस नहीं था, वो तो रोटियां तोड़ने में व्यस्त थी। इतने में स्क्रीन पर द्रविड़ भाई साहब पेड प्रमोशन करने लगे तो हम भी वहां से निकल गए गेमिंग सेक्शन की ओर, जहां पर हमारी प्रजा हस्ती खिलखिलाती हुई नजर आई, एक पापा की परी भी चहकती हुई नजर आई, पर दिल कहीं लगा नहीं। फिर अपने प्रेम को ढूंढने के लिए हम बाहर निकले तो मुझे मिला मेरा खोया हुआ प्यार, जहां पर कुछ किताबों को टटोलते ही हमारे प्रेमचंद जी की गोदान, जो हमें प्रेमचंद जी का आदर करने पर मजबूर कर देती है, और दूसरी ओर ऐतिहासिक मराठी साहित्य में छावा जैसी छत्रपति संभाजी राजे पर आधारित शिवाजी सावंत जी की कादंबरी रोम रोम में आग लगा देती है। अब इन्हीं लोगों को काउंटर तक लेकर जाऊं, तब तक आप ध्यान में रखें, जो समाज इतिहास नहीं जानता वो इतिहास नहीं बना सकता, इसलिए पढ़ते रहें।